अभी रिसेंटली विराट कोहली अपनी फॉर्म में आए हैं वापस, और बहुत ही बुरा दौर उनका गया था। वैसे ही कुछ कबड्डी के भी खिलाड़ी जो अपने टाइम के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं और अब भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और कम बैक करना उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। उन्हीं लिस्ट में एक सबसे बड़े खिलाड़ी हैं कबड्डी के, प्रदीप नरवाल। आज प्रदीप भाई पे बात करेंगे कि क्या इस सीज़न प्रदीप भाई कम बैक कर सकते हैं या नहीं, आप क्या सोचते हैं, आप सब की क्या राय है इसके पीछे। देखिए, जैसे क्रिकेट में भी बात करें विराट कोहली की, विराट कोहली पिछले एक से डेढ़ साल दो साल से इतना मतलब लूज चल रहे थे कि ना ही शतक निकला था, ना ही फॉर्म में वापस आ पाए थे, और उन्होंने लगभग हर चीज़ ट्राई की और वो फॉर्म में वापस नहीं आए। रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले एक मैच हुआ था अफगानिस्तान के साथ, और यहाँ पर विराट कोहली अपनी उसी लय में दिखे, शतक लगा के अपना दिखाया कि उन्होंने कम बैक किया, लेकिन कुछ कारण थे उनके पीछे, उनके कम बैक के पीछे। वही सेम चीज़ें यदि देखे तो प्रदीप नरवाल जो कबड्डी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा खिलाड़ी आज तक का, और 7वें सीजन तक मतलब दी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। 8वें सीजन में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन क्या चली गई, तो लोग कहने लगे कि प्रदीप आउट ऑफ फॉर्म हो गया, अब नहीं आएगी इसकी परफॉर्मेंस। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, प्रदीप भाई ने लास्ट के कुछ 7-8 मैचों में अपने ऊपर एनालिसिस करके अपनी वीकनेस पे काम किया और अपनी कमबैक किया। लास्ट के सात से आठ मैच उन्होंने 5 सुपर 10 भी लगाई और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके 7वें नंबर के टॉप रेडर भी रहे प्रो कबड्डी के 188 पॉइंट लेकर। तो यहाँ पर से जितना दिखता है कि प्रदीप भाई ने अपने आप पर काम किया, अपने वीकनेस पर काम किया और अपना कमबैक किया। अब की बार वो पिछली बार से बहुत ज़्यादा तैयार रहेंगे, और जितना मेरे को लगता है यहाँ पर कि प्रदीप भाई यहाँ पर कम बैक करेंगे जितना पिछली बार के उसे, तो बहुत अच्छा करेंगे। और हो सके तो क्या पता, मेरी उम्मीद है क्या पता टॉप स्कोरर भी रहें, लेकिन टॉप स्कोरर में आता है कि भाई कंपटीशन बहुत ही टफ है यहाँ पर। पवन शरावत, अर्जुन देसवाल, नवीन गोयत, प्रदीप भाई, इन सब में कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है। लेकिन जितना हो सके कम बैक प्रदीप भाई का होगा अब की बार, क्योंकि वो भी तैयार हैं, प्रीपेयर्ड हैं पूरी तरह, पिछली बार से की तरह लड़ने के लिए तैयार हैं अब की बार की कैसे फाइट करनी है मैचों के अंदर। और आप सब क्या सोचते हो, यदि आप प्रदीप भाई के फैन हैं तो आप कमेंट करके बताना भी कितना स्कोर कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग कम बैक करेंगे नहीं करेंगे, कहां तक जाने वाले हैं प्रदीप भाई। और इस वीडियो को हर बंदे तक शेयर करना जो प्रदीप भाई का फैन है, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।